झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर कहा, बिकाऊ आदमी अगर इस तरह की बात करे, भाजपा में शामिल हुए लोग अगर इस तरह की बात करें तो ये ठीक नहीं लगता। जब कोई घोटालेबाज घोटाला करके किसी और का नाम घोटाले में घसीटता है तो उसका घोटाला उससे छिप नहीं सकता। जहां तक उमाशंकर अकेला का सवाल है तो उन्हें बताना चाहिए कि पिछली बार उन्हें टिकट कैसे मिला और इस बार उनका टिकट क्यों काटा गया। नहीं देखिए, कोई बिकाऊ माल अगर इस तरह से बात करे, बिकाऊ व्यक्ति बात करे जो खुद बिक गया, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चला गया, वो इस तरह की बात करे ठीक नहीं लगता है। जब भी कोई घोटालेबाज घोटालेबाजी करता है और उसके बाद किसी के नाम को घसीटता है तो उससे उसका घोटालेबाजी छुप नहीं जाता है। जहां तक उमाशंकर अकेला जी का सवाल है, उमाशंकर अकेला को यह बताना चाहिए कि पिछली बार टिकट तुमको कैसे मिला था और इस बार तुम्हारा टिकट क्यों कटा है। तो इस तरह की हल्की बातें करके मैं समझता हूं पूरे राजनीतिक जो एक परिवेश है उसमें गंदगी फैलाने की कोशिश की जा रही है और विशेष करके इसमें हिमंता बिस्वा सरमा का विशेष योगदान है। झारखंड को प्रदूषित और कलंकित करने में उन्होंने कोई कमी अब तक नहीं छोड़ी है। इस तरह की हल्की बात करते हैं, अरे जिस मां ने पैदा किया उस मां को अगर कोई गाली देगा तो हम समझते हैं वो सच्चा बच्चा नहीं हो सकता किसी के लिए भी। झारखंड के उम्मीदवारों की सूची पर उन्होंने कहा, हर चीज पर चर्चा होती है, जब बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो समय लगता है। हमें लगता है कि पार्टी बहुत सोच समझकर और सभी पहलुओं पर विचार करके कोई फैसला लेगी। देखिए, हम समझते हैं सभी चीजों पर मंथन होती है और बहुत जब ज्यादा मजबूत उम्मीदवारों की उम्मीदवारी होती है तो कई बार समय उसमें लगता है और हमें लगता है कि बहुत जल्द आज या कल में, चूंकि आज और कल कोई नॉमिनेशन नहीं है तो पार्टी ने इतना वक्त लिया है तो काफी सोच समझ करके, देखिए हमारे यहां सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ता है कि सभी लोगों को कैसे उसमें शामिल किया जाए, सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इन तमाम चीजों को देखने समझने में कहीं न कहीं दिक्कत आती है और उस पर चर्चा हो रही। हम समझते हैं कि आजकल में फैसला हो जाए। असम के मुख्यमंत्री सह भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि झारखंड में सरकार नहीं बल्कि एक दूजे फिल्म की शूटिंग चल रही है, कभी हेमंत कल्पना को देखते हैं और कभी कल्पना हेमंत को। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।